जय भारत। मैं हवलदार नारायण सनगर, हम जिस जगह आए हैं, ये जगह है महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला, और कोल्हापुर जिला में पनाला फोर्ट है, और पनाला फोर्ट के बगल में रेड़ेघाट का जंगल है। इस जंगल में ब्लैक पैंथर, जंगली सुअर, जंगली भैंसे जिसको गौर कहा जाता है, और उसके साथ साथ तेंदुओं का भी वास इधर है। हम अभी जंगल के अंदर जाएंगे और आगे हम देखेंगे हमको जंगली सांपर यहाँ मिलता है क्या नहीं, और हम अभी जंगल में प्रस्थान कर रहे हैं। किसी बंदर ने ये सुपारियां खा के यहाँ पोटी की है, आप देख लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पूरा जंगली एरिया है, यहाँ जंगली सुअर रहते हैं, और उसके साथ साथ तेंदुआ भी रहता है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, ये पंख देख लीजिए, जो यहाँ अलग अलग चीजें मिल रही, आप देख सकते हैं। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 400 साल पहले बनवाया था, और एक किला बनाने का कारण ये था, पनाला किले को प्रोटेक्शन बनाना। लेकिन पूरा ये है जंगली एरिया है, यहाँ जंगली सांपर सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ ब्लैक पैंथर और तेंदुआ रहता है, और तेंदुआ हमेशा यहाँ आता रहता है, और यहाँ के कुत्ते वगैरह जो है पाले हुए, उनको उठा के ले जाने का कार्य करता है, आप देख लीजिए। अभी हम कोशिश करेंगे। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया। एक किला बनाने का कारण ये था कि यहाँ जंगल है पूरा, यहाँ अगर कोई परकीय आक्रमण होगा तो इस जंगल के प्राणी उसको खा जाएंगे, और वो सैनिक यहाँ मर सकते हैं। उस सैनिकों के ऊपर आक्रमण हो सकता है, और वो सैनिक डर के मारे इस किले के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला बनाया। आप ये जंगल देखिए, ये रेड़ेघाट का जंगल कहा जाता है, एकदम संकरी एरिया है। यहाँ से थोड़ा भी पैर अगर फिसल जाता है तो सीधा दरी में गिरना तय है, आप देख लीजिए। उसके साथ साथ मैं हवलदार नारायण सनगर, मैं 18 साल इंडियन आर्मी में रह के आया हूँ, और हमने इस जंगल में बहुत बार गए हैं। मैं मेरे दोस्त को कहूँगा, वो भी आपसे कुछ बातें कहेगा। मेरा दोस्त आपसे बात करना चाहता है। ये रेड़ेघाट करके जंगल है, यहाँ पे दो फोर्ट है, वो जो दिख रहा है पीछे वो पनाला फोर्ट है, और जो हम जिस पे खड़े हैं इसे पावनगढ़ कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो जंगल फैला हुआ है उसे रेड़ेघाट कहा जाता है। तो ये दोनों एक रास्ते की तरह है दोनों फोर्ट्स के बीच में। दोनों किले को इकट्ठा मिलाने का कार्य ये जंगल करता है। ये पनाला फोर्ट है और ये पावनगढ़ है। इस दोनों के बीच में एक ये जो छोटा सा मेरे सामने बिहार टाइप का वो दरवाजा दिखाई दे रहा है मेरे सामने, मेरे हाथ के सामने, उस दरवाजे से इस जंगल में डायरेक्ट उतरा जाता था और इस किले पे आया जाता था। तेरे पर करके पहाड़ जो है कोल्हापुर का, वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये यहाँ से दिखाई देता है। वहाँ गगनगढ़ भी दिखाई देता है, लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं देता। और हमारी पंचगंगा नदी, उसमें से एक कासारी नदी है, वो कासारी नदी अभी हमारे सामने दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक घना जंगल, बहुत बड़े जंगली प्राणी यहाँ रहते हैं, और आपको मैं कहना चाहूँगा, यहाँ एक ऐतिहासिक वारसा होने वाला एक किला है। मैं आप सभी लोग पर्यटकों को ये कहना चाहूँगा, आप जब भी पनाला फोर्ट में आते हैं तभी इस किले पे आना मत भूलिए, क्योंकि ये किला हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक व्यू होता है। उनकी सोच कैसी है, इस उनके सोच के हिसाब से बनाया हुआ एक किला है। तभी इस पनाला फोर्ट पे कभी भी आक्रमण हुआ, तभी इस किले ने उसको सहन किया है और उसको अपने छाती पे झेला है। इसलिए हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस किले पे ऐतिहासिक ऐसी बहुत कोई पार्श्वभूमि है। जब हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले में जब सिद्धि जोहर के घेरे में फंसे थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से 6 महीना रहने के बाद यहाँ से विशाखागढ़ निकले थे, और वो बच के चले गए थे। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे राज्य किया कि एक छोटे सरदार का बेटा, लेकिन उन
सोच बड़ी थी, इसलिए वो हिंद विश्व राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम 400 साल बाद भी भगवान के रूप में महाराष्ट्र के सभी लोग लिया करते हैं, क्योंकि हिंद विश्व राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ये भारत में नहीं पूरे विश्व में उनका बोलबाला है, क्योंकि उनकी सोच जो थी वो आगे की सोच थी और हमेशा उन्होंने पॉजिटिव सोचा, हमेशा अपने जनता के बारे में सोचा, ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी जंगल में हम अभी आगे भ्रमण करेंगे। अभी हम जंगल में जा रहे हैं, रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम निकलने का। यहाँ जंगली सुअर भी रहते हैं और जंगली गवे भी भैंसे भी रहते हैं, फिर भी हम अभी इधर थोड़ा सा हमने घर से चाय बना के लाया है और मेरा दोस्त और मैं यहाँ चाय भी पियेंगे। ये देखिए जंगल, ऐसे जंगल होता है। जब हम फौज में थे तब ऐसे जंगल में बहुत बार जाने का मौका मिला, और जंगल में जब जाते थे तब के नागा आतंकवादी से लेके बोडो आतंकवादी भी रहते थे, उसी के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकवादी भी रहते थे। इंडियन आर्मी जो है वो जगत में उसका बोलबाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो जवान है उनको प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो सबसे तगड़ा प्रशिक्षण होता है, और उस प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो यहाँ का एरिया है, क्योंकि भारत का एरिया जंगली एरिया है। 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति में पूरा जंगल का रखरखाव सही से रखने का कार्य किया है। 400 साल पहले हिंद विश्व राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेड़ लगाने का नारा दिया था, अगर हमारी प्रकृति बचेगी हमारा लोगों का भी बचना तय हो जाएगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले पेड़ लगाओ ये नारा दिया था। ये ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हम अभी इस जंगल में बैठे हैं, हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे और उसके बाद आगे का प्रवास शुरू करेंगे। ये जंगल ये देखिए, ऐसे जंगल, यहाँ जंगली प्राणी सुअर वगैरह रहता है। सुअर ने इधर खड्डे गिराए हुए और जंगली सुअर के पैर के निशान भी इधर बहुत है। ये रेड़ेघाट का जंगल आपको दिखा देख रहा होंगे, आप देख रहे होंगे, और हम अभी बीच बीच से रास्ता निकालते हुए हम चल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे, ये देखिए, ये बहुत बड़े जंगल है और हम अभी इस जंगल में चल रहे हैं। चलो, अगर आपको आनंद लेना है तो आपने ट्रैकिंग करना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सभी शहर के लोगों को भी कितना कहना चाहूँगा, आप साल में 10-15 दिन अगर बिताते हैं आपकी जिंदगी को एक अच्छा मुकाम मिल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इतना कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप जंगल में रहते हैं तो ये पोल्यूशन मुक्त एरिया है, आपको ये पता होना चाहिए। एक बात सुनिए, ये पेड़ है, इस पेड़ को ये व्हाइट व्हाइट आया है, आप देखा होगा, ये देख लीजिए, ये पूरा व्हाइट है, ये क्यों है? यहाँ जेरो पोल्यूशन है, यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए पेड़ को ये व्हाइट व्हाइट ऐसे दाग आए हुए है, यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बीमार आदमी भी जंगल में जाके कुछ दिन अपना वास्तव्य करता है तो उसकी बीमारी भी दूर हो सकती है, उसके शरीर को तंदुरुस्ती मिल सकती है। मैं आप सभी लोगों को इतना कहना चाहूँगा, भारतीय जवान या सोल्जर क्यों मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त ये जंगल में चला जाता है, और जंगल में चला जाने की वजह से वहाँ पोल्यूशन मुक्त एरिया होता है, और पोल्यूशन मुक्त होने की वजह से शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है और हमारा फेफड़े मजबूत और तंदुरुस्त रहते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी का जवान की उम्र 80 से 90-100 साल तक जीता है और तंदुरुस्त रहता है। वो इसलिए रहता है, वो जंगल में रहता है। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को कहना चाहूँगा, आप साल में कम से कम 15 से 20 दिन तो जंगल में बिताइए, शुद्ध हवा का आनंद ले लीजिए और आने वाला समय में अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, इतना कहना चाहूँगा। ये जो वनस्पति है, एक काटेरी वनस्पति, आप देख लीजिए, एकदम इसका काटा अगर लगता है, लग गया इसका काटा लगता है तो आपको बुरी इचिंग होती है और आपके शरीर को खुजली होना शुरू हो जाएगी। ये जंगल में बहुत सारे प्रमाण में है, आप देख सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
उसके एक साथ साथ मेरा कमेंट्स बॉक्स है, उस कमेंट्स बॉक्स में भी कोई आपका सजेशन है, कमेंट्स है तो आप कमेंट्स करिए। इस कमेंट्स के ज़रिए मैं मेरे में कुछ बदलाव ला सकता हूँ और आने वाले समय में और अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। आने वाले समय में हम ऐसे जगह मिलेंगे जो जंगल है वो सबसे अच्छा जंगल होगा, उस जंगल का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो आने वाले समय में आपको YouTube चैनल पर दिखाई देगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।